आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। मौसम का पूर्वानुमान शनिवार 17 जुलाई और रविवार 18 जुलाई को किस तरह का रह सकता है, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से महेश रावलानी के द्वारा मौसम विभाग के सूत्रों के हवाले से जो भी मौसम के अपडेट मिलते हैं वो आपके साथ साझा किए जाते हैं। और ये मौसम के अपडेट 95% से 99% तक सही साबित होते आए हैं। स्क्रीन पर जो नज़ारा आप देख रहे हैं वो नज़ारा शुक्रवार 16 जुलाई और शनिवार 17 जुलाई की दरमियानी रात 12 बजे का है। हवाओं की दिशा दक्षिण पश्चिम से पूर्वोत्तर की, और साथ ही बारिश कहीं होती हुई नहीं दिख रही है। रात के समय दक्षिणी इलाके में अर्थात गोपालगंज, कुरई, खवासा, हरी कंगेर इस तरफ कहीं बूंदाबांदी हो सकती है। सुबह 6 बजे का नज़ारा बूंदाबांदी होती हुई भी नहीं दिख रही है। 10 बजे दिन में हल्की फुल्की बूंदाबांदी शनिवार को संभव है, और लगभग 2 बजे बरघाट, सिवनी, अरी गंगेरुआ यहाँ हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। शाम 5 बजे कहानी, लखनादौन, घनसौर, केवलारी संपूर्ण जिले में हल्की फुल्की बारिश की संभावनाएं बनती दिख रही हैं। 7 बजे के बाद मौसम एक बार फिर खुलता हुआ दिख रहा, और रात 12 बजे का नज़ारा, 12 बजे रात को बरघाट से पूर्व की ओर बारिश होती हुई स्पष्ट रूप से दिख रही है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से महेश रावलानी की रिपोर्ट। मौसम विभाग के सूत्रों के हवाले से जो भी पूर्वानुमान मिला है उसमें से 2 दिन का अर्थात शनिवार 17 जुलाई और रविवार 18 जुलाई का पूर्वानुमान आपके साथ साझा किया जा रहा है। रात 3 बजे शनिवार 17 जुलाई और रविवार 18 जुलाई की दरमियानी रात, रात 3 बजे के लगभग घनसौर क्षेत्र में कहीं कहीं बारिश होती हुई दिख रही है। सुबह 5 बजे बरघाट, छपारा, लखनादौन, धूमा यहां पर हल्की फुल्की बारिश होती हुई दिख रही है। 7 बजे तक ये बारिश जारी, और 8 बजे के लगभग हल्की फुल्की बूंदाबांदी कहीं कहीं हो सकती है। 10 बजे रविवार को संपूर्ण ज़िले में अच्छी खासी बारिश होती हुई दिख रही है। 12 बजे के लगभग रविवार को बारिश, 12 बजे भी, और ये कहा जाए कि लगभग 1 बजे के बाद सिवनी से उत्तर दिशा में अर्थात छपारा लखनादौन के बीच में ज़बरदस्त बारिश, अच्छी खासी बारिश होने की उम्मीद है। लखनादौन और जबलपुर के बीच के हिस्से में, घनसौर कहानी के आसपास भी, बंडोल में भी होती हुई दिख रही है। रविवार को 1 बजे के बाद लगभग 3-4 बजे तक बारिश अच्छी खासी हो सकती है। उसके बाद ये रात में बारिश रुकी हुई प्रतीत हो रही है, और ये 12 बजे रात का नज़ारा रविवार 18 जुलाई और सोमवार 19 जुलाई की दरमियानी रात 12 बजे का ये नज़ारा। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा नहीं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में रोजाना प्रसारित हो रहे हैं। इसके अलावा मौसम का पूर्वानुमान भी देखना ना भूलिए। ब्रेक के बाद समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। अब हम आपको बिजली की कड़कन तड़कन 2 दिनों तक किस तरह की रह सकती है इस बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। स्क्रीन पर जो नज़ारा आप देख रहे हैं शुक्रवार 16 जुलाई और शनिवार 17 जुलाई की दरमियानी रात 12 बजे का ये नज़ारा है, और सुबह 5 बजे तक कहीं भी जिले भर में बिजली चमकती हुई नहीं दिख रही, 11 बजे तक भी कहीं बिजली चमकती नहीं दिख रही, और 1 बजे के बाद सिवनी, बरघाट, कानीवाड़ा यहाँ से अगर पूर्व की ओर आप जाएंगे तो यहाँ आपको ये कुछ हरा और पीला आपको दिख रहा होगा। जहाँ पर भी आपको ये दिख रहा है ये 4 बजे शाम का नज़ारा है। कहीं कहीं आपको लखनादौन, घनसौर, छपारा से उत्तर की ओर धूमा, और यहाँ सिवनी के अगर आप पूर्व में बरघाट जाएंगे और दक्षिण में गोपालगंज, कुरई, खवासा, अरी गंगेरुआ यहाँ कहीं कहीं गर्जना भी सुनाई दे सकती है। शाम 7 बजे का ये नज़ारा 17 जुलाई को। रात 12 बजे भी बरघाट से उत्तर की पूर्व की ओर
कहीं कहीं बिजली की कड़कन तड़कन सुनाई दे सकती। बहुत ज़्यादा नहीं दिख रही है, सुबह 6 बजे के लगभग भी कहीं कहीं बिजली चमक सकती है, या 8 बजे का नज़ारा है। 10 बजे रविवार को बारिश का भी अनुमान बहुत ज़्यादा है, और रविवार को 10 बजे जिले भर में बिजली की कड़कन तड़कन सुनाई और दिखाई दोनों दे सकती है। 12 बजे दिन तक और 1 बजे के लगभग लखनादौन से कहानी के बीच में ये जो लाल हिस्सा आपको दिख रहा है, इस लाल हिस्से में आप देखिए कहीं कहीं बहुत ज़्यादा बिजली से सावधान रहने की ज़रूरत है। छपारा से उत्तर की ओर और लखनादौन से पूर्व की ओर, ये 18 रविवार 18 जुलाई 1 बजे दिन के लगभग, 1 बजे से 3 बजे के बीच में, और 4 बजे तक भी इसी तरीके का स्थिति रह सकती है, और 5 बजे के बाद फिर सामान्य होता हुआ दिख रहा है सब कुछ। अब हम आपको इसके बाद तापमान के बारे में बताते हैं। स्क्रीन पर जो नज़ारा आप देख रहे हैं, ये नज़ारा शुक्रवार 16 जुलाई और शनिवार 17 जुलाई की दरमियानी रात 12 बजे का है। तापमान 12 बजे रात को 26 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है, और यह सुबह 5 बजे के लगभग तापमान 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच। 8 बजे के बाद उमस कुछ आप महसूस कर सकते हैं, तापमान 27 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच, और 10 बजे के बाद तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस, 3 बजे के लगभग 31 से 32 और 33 डिग्री सेल्सियस भी पहुंच सकता है तापमान, जो पूर्वानुमान मौसम विभाग के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया। वो समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के मौसम प्रभाग को देखने वाले महेश रावलानी के द्वारा आपके साथ साझा किया जा रहा है। शाम 7 बजे के लगभग तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है, और रात 10 बजे का ये नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं, 27 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच। और ये 17 जुलाई शनिवार और रविवार 18 जुलाई की दरमियानी रात 12 बजे का नज़ारा, 12 बजे के लगभग 26 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान यहाँ बना हुआ दिख रहा है। 18 जुलाई रविवार को सुबह 5 बजे 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान, 10 बजे के लगभग 26 से 27 डिग्री सेल्सियस, और 12 बजे के लगभग 29 से 30 डिग्री सेल्सियस भी पहुंच सकता है। शाम 4 बजे 28 से 29, चूँकि बारिश का अनुमान इस समय है इसलिए तापमान में थोड़ी सी कमी महसूस हो सकती है। 7 बजे शाम को 27 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच, और ये रात 12 बजे का नज़ारा, तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच यहाँ दिखाई दे रहा है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से महेश रावलानी की रिपोर्ट। अगर आपको ये मौसम के अपडेट, ऑडियो बुलेटिन, अन्य वीडियोस समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सब्सक्राइब कैसे करना है हर वीडियो के आखिरी में हम बताते हैं। फ़िलहाल आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे, 2 दिन का मौसम का पूर्वानुमान लेकर हम फिर हाजिर होंगे। फ़िलहाल नमस्कार। आइए अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के यूट्यूब को सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप ब्राउज़र खोलिए, ब्राउज़र में यूट्यूब टाइप कीजिए, या तो आपके पास अगर यूट्यूब का ऐप है तो यूट्यूब खोल लीजिए। यूट्यूब खोलने के बाद आप उसके सर्च बटन पर जाइए, सर्च बटन जो आपको ऊपर यहाँ पर दिख रहा होगा, इसमें आप ऊपर सर्च में जाइए, वहाँ LIMTY स्पेस दीजिए, KHARE ये टाइप कीजिए, लिमटी खरे, ये आपको लिमटी खरे खुला हुआ मिल जाएगा। लिमटी खरे अगर आप खोल, जैसे ही आपको ये मिलता है, आप ये राइट हैंड साइड में देखिए सब्सक्राइब, लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, इस सब्सक्राइब बटन को अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको सबसे पहले कहेगा कि आप जो भी आपका अकाउंट है उसमें आप अकाउंट से लॉगिन करिए। अगर आप पहले से लॉगिन हैं तो आपको ये सब करने की शायद ही ज़रूरत पड़े। ये देखिए आप लॉगिन हो जाएंगे, यहाँ किनारे में आपको यहाँ पे इसका YouTube का बटन दिख जाएगा। अब ये सब्सक्राइब जो यहाँ पर लिखा हुआ है लाल रंग से, इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो सब्सक्राइब आ जाएगा। फिर इसके बाजू में जो ये घंटी बनी हुई, घंटी में ऊपर ऑल को क्लिक कर दीजिए। इस तरह से आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, और उसके बाद अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ वीडियोज़, प्लेलिस्ट, सब कुछ आपके सामने मौजूद मिल जाएगी। इस तरह आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।